आज नवंबर 10, 2017 को का दिन बड़ा ही ऑस्पिशियस डे है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं डिफरेंट से शहरों से, डिफरेंट प्रोफेशन से, डिफरेंट स्ट्राटा से, डिफरेंट जेंडर से, और ये एक डिवाइन मीटिंग है हमारी गोलोकियन फैमिली की। गोलोक एक्सप्रेस जो बेसिकली इट्स अ ब्रॉड माइंडेड ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिचुअल ग्रुप विच इज बेसिकली स्ट्राइविंग टू स्प्रेड कृष्णाज मैसेज थ्रू द रीडिंग्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। तो आज क्योंकि हम इकट्ठे हुए हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम आज गोलोक एक्सप्रेस की यूनिकनेस के बारे में ही बात कर लें। तो निधि जी, आपका क्या ख्याल है यूनिकनेस ऑफ गोलोक एक्सप्रेस के बारे में? वेरी गुड। मैं निधि चंबा से हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप से 2 साल से जुड़ी हूँ। मुझे गोलोक एक्सप्रेस ग्रुप की ये विशेषता लगती है कि ये ग्रुप जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हम लोग घर बैठे स्काइप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट फैमिलीज के पीपल जब हम सब एक साथ स्काइप पे जुड़ते हैं और भागवत गीता का ज्ञान लेकर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, इस तरह से हम अपना समय भी बचा रहे हैं। बहुत सा समय जो हम सत्संग में आने जाने में यूज करते थे, घर पे बैठ के हम वही समय बचा रहे हैं और वही समय हम अपनी साधना में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी सिचुएशंस जिंदगी में ऐसी भी आती हैं जब हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं घर पे, या फिर हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसी टफ सिचुएशंस होती हैं। तो उस समय मुझे ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा लगता है उन सब लोगों के लिए, क्योंकि वो सब घर पे बैठ के टेक्नोलॉजी का यूज करके सत्संग से अपने जीवन में दिव्यता ला सकते हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस ग्रुप की बहुत अधिक खासियत है। हरि बोल। मुझे इस ग्रुप से जुड़कर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और टेक सेवी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इट्स रियली अमेजिंग के कैसे हाउसवाइफ्स भी जो है आज स्काइप भी यूज कर रही हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग यूज कर रही हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रही हैं और अपने आप को वह बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रही हैं। तो दिस इज समथिंग यूनिक। तो आप क्या बोलोगे प्रीति जी? हरी बोल। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे गोलोक एक्सप्रेस की यूनिकनेस ये लगती है कि इसका फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट होना, मतलब जो नॉलेज पुराने जमाने में लोग घर छोड़कर गुरु के पास जाकर ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके और तपस्या करते हुए ग्रहण करते थे, वो नॉलेज हम घर बैठे बैठे आज ग्रहण कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से। और ये इसी के साथ ही नॉलेज हम लोगों को भी बांट रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें हम अपने समय के मुताबिक इस नॉलेज को लोगों को बांटते हैं। तो इससे लाइफ जो है वो स्ट्रक्चर में भी आ गई है। अब जब हम सुबह उठते हैं तो अंदर से एक एक्साइटमेंट होती है कि भगवान का भोग बनाना है। फिर समय लगता है, अब भगवत गीता पढ़नी है, अब भगवत गीता लोगों को पढ़ानी है, तो इससे बहुत खुशी मिलती है। हरी बोल। अरे वाह। तो मतलब कि कस्टमाइज्ड भी है और टेलर मेड है, जैसा जिसको सूट करता है वैसे वो भक्ति कर सकता है। और उसके अलावा तो लाइफ डिसिप्लिन हो रही है और स्ट्रक्चर हो रही है और दैट इज गिविंग अ पर्पस इन लाइफ ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नीलम जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? हरे कृष्णा। आई एम नीलम आजम फ्रॉम पठानकोट। प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं। गोलोक एक्सप्रेस की जो यूनिकनेस मुझे ये लगी कि जैसे हमने पहले तो भगवद गीता पढ़ी, तो उसके बाद पढ़ानी शुरू करी कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से। एक डिवोटी पठानकोट में है, एक डिवोटी चंडीगढ़ में है, एक डिवोटी जो है वो दिल्ली में है, एक चंबा में है। उन सब की एक कॉन्फ्रेंस कॉल बनाई, उस पर हमने भगवत गीता अध्ययन करनी शुरू करी। भगवत गीता, भगवान श्री कृष्णा ने भगवत गीता में जो कहा है कि जो आपस में भगवत गीता का अध्ययन ही करते हैं,
वो भी बुद्धि से मेरी पूजा करते हैं। हमने रीडिंग नहीं करी, अध्ययन किया। अध्ययन मतलब समझ के पढ़ना। और इस तरह से मेरी भी और जिनको मैं पढ़ाती थी उनकी भी क्लैरिटी जो है भगवद गीता में और होनी शुरू हो गई। बड़ा मजा आने लगा। और जहां तक हो गया बात, जहां तक चली गई कि जो डिवोटी मेरे से पढ़ते थे उनको इतना आनंद आ रहा था, इतनी उनकी क्लैरिटी बन गई कि उनको मैंने कहा कि जो जो आपको समझ आता है आगे आप पढ़ाना शुरू करो। तो उन्होंने आगे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। इस तरह से कहते हैं कि अध्यात्म निज ज्ञान एक से दूसरे में जाता है। ऐसे ही हम लोगों ने आपस में ये शुरू तो अध्ययन से ही किया, पढ़ाना शुरू किया, लेकिन वो एक से दूसरे के पास जाने शुरू हो गए। इससे डीपर अंडरस्टैंडिंग सबकी बननी शुरू हो गई। कई बार एक और इसकी यूनिकनेस है कि अगर मेरे को जो समझ आया, मैं टीचर हूं, अगर बच्चे ने मेरे को कोई सवाल किया है तो मैं उसको भगवद गीता की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने उनको समझाया और बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। तो ये मतलब भगवान कृष्णा की कृपा है। जय श्री कृष्ण। तो गुरु शिष्य परंपरा ये तो सब सुनते थे, बट दिस इज अ बड़ी कल्चर, मतलब कि आपने एक को पढ़ाया और उस समझाया, उसने समझ के आगे दूसरे को पढ़ाया और ऐसे ऐसे सारे सब तरफ ये फैल रहा है भगवान गीता ज्ञान, जो कि गोलोक एक्सप्रेस ट्राई कर रही है कि सब तक ये पहुंचाया जाए। और दूसरा ये टू वे कम्युनिकेशन, ये तो कहीं देखने को नहीं मिलता। हम कहीं जाते हैं तो बाबा जी भाषण देते हैं और हम सुनते हैं, तो हम पूछ नहीं सकते कि क्या आप में अगर कोई डाउट है वो क्लियर नहीं कर पा रहे, पर ये तो बड़ा अच्छा है क्योंकि आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग पे हो, तो आपने कुछ बोला किसी को समझ नहीं आया उसने पूछ लिया, तो इससे बढ़िया टू वे। तो दो बड़े अच्छे पॉइंट्स आए, टू वे कम्युनिकेशन और बड़ी कल्चर, दैट्स ग्रेट। तो अब आप क्या बोलोगे रजनी जी? हरि बोल फ्रेंड्स, आई एम रजनी फ्रॉम चंबा। मुझे इस ग्रुप से जुड़े हुए तकरीबन 2 साल हो गए। तो कोई टाइम ऐसा था कि मुझे लगता था कि जो हाउस वाइफ है वो उनकी ड्यूटी सिर्फ परिवार पालना, बच्चों को देखना, फैमिलीज को देखना यहीं तक सीमित है, और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था बिल्कुल डाउन होता जा रहा था। और जब से मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो मैंने देखा कि जब हम लोग दुख में, एक यूनिक आइडिया इसमें ये लगा कि जब हम कभी कभार दुख में होते हैं तो जो डिवोटीज हैं उनसे बात करके इतना अच्छा लगता है कि वो हमें डाउन नहीं जाने देते, और जो जो लेवल हमारा बढ़ता है उसको डाउन नहीं जाने देते। और फ्रेंड्स, जब मैं जुड़ी तो मुझे लगा कि जो पॉजिटिविटी मैं फील कर रही हूँ, तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स या जो क्लोज फ्रेंड थे उनके साथ भी ये शेयर करूँ। तो मैंने अपने जो मेरे 3 सिस्टर इन लॉ थे उनको इन्वॉल्व किया और उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो जो हेजिटेशन में, मतलब ऐसा लगता था कि मतलब मैं बोल भी नहीं पाती थी प्रॉपर किसी के साथ, तो अब मेरे पास हर टॉपिक का आंसर होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं और फैमिली रिलेशन इतना बेटर हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। कई बार होता था हम लोग एक एक मंथ भी बात नहीं करते थे, और अब हमारी रूटीन में बात होती है। और मुझे यही लगा कि इससे हमारे फैमिली रिलेशन जो है और स्ट्रॉन्ग होते हैं। हरी बोल। मतलब कि गोलोक एक्सप्रेस जो है वो एक डिवाइन फैमिली की तरह है, और उसमें हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और किसी को डाउन नहीं जाने देते हैं, हर किसी को अपलिफ्ट करते हैं। और दूसरा आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि फैमिली का माहौल बड़ा अच्छा हो रहा है, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं, चाहे भगवान को याद करते हैं इसलिए मिलते हैं। तो सच में दिस इज समथिंग ग्रेट। मोनिका जी, आप क्या बोलोगे इस बारे में? मैं मोनिका गुप्ता चंबा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं इस ग्रुप के साथ 1.5-2 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे इस ग्रुप की यूनिक ये लगता है कि इस ग्रुप में जुड़ने के बाद हमारे जो फैमिली रिलेशंस हैं वो बेस्ट हुए हैं। और इस ग्रुप में मेन खासियत ये है कि इस ग्रुप में कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें बच्चे बड़े सब आ सकते हैं। और हम उसके अलावा हमारे ग्रुप में 80% तक जो लोग हैं वो सब यंग एज हैं, और इसमें हमारे इस ग्रुप में 15-16 साल के बच्चों को भी मौका दिया जाता है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। और इस ग्रुप में हमने काफी होलिस्टिक पेरेंटिंग पर भी डिस्कशंस की हैं, और
इस ग्रुप में ये खासियत है कि इसमें हर तरह की, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो हमें सत्संग अटेंड करने से उसका आंसर मिल जाता है। पहले हम सोचते थे कि ये जो सत्संग और साधना वगैरह बड़े लोगों के लिए होती है, पर इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझे ये नॉलेज हुई है कि अगर इसमें हम बच्चों को भी अपने साथ जोड़े तो बच्चों को भी अपनी लाइफ अच्छे ढंग से चलाने का एक रास्ता मिलता है और भगवान के साथ जुड़ने का रास्ता मिलता है। हरि बोल। मतलब कि एज की कोई बात नहीं है, मतलब हर कोई ज्वाइन कर सकता है। सो ये मिसकंसेप्शन भी दूर होती है कि जो भक्ति है वो तो सिर्फ बुढ़ापे में करनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि सब जुड़ रहे हैं, यंगस्टर जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उससे फैमिली का माहौल अच्छा हो रहा है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आपने इतनी अच्छी यूनिक बताई है गोलोक एक्सप्रेस की, तो मैं भी शेयर करना चाहूंगा इसकी जो मेरे को यूनिक लगा। इसमें मेरे को सबसे जो बढ़िया पॉइंट लगा वो बड़ा फ्लेक्सिबल है ये, और कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसी आपकी सहूलियत है वैसे आप डिवोशन कर सकते हो। क्योंकि मैं जिस पोस्ट पे हूँ इस टाइम, मैं वहां पे दिल्ली में हूँ इस टाइम, डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर हूँ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, तो बहुत डिमांडिंग जॉब है, उसमें टाइम मिलता नहीं था। तो जब मेरे को ये शुरू किया, मैंने ढूंढा कि मेरे पास क्या टाइम है, तो मैंने पाया सुबह सैर करते टाइम मैं डिवोशन कर सकता था, फिर मेरे पास जो 2-3 घंटे मेरा आना जाने का जो टाइम था उसमें मैं डिवोशन कर सकता था, फिर मैंने जो थोड़ा सा जो बार बार रेपिटेटिव हम न्यूज देखते थे बड़े 3-4 घंटे उसको मैंने शॉर्टन किया, उसमें भी मेरे पास टाइम निकला 1-1.5 घंटे का, तो उसमें भी डिवोशन कर सकते थे। तो फिर ये तो बहुत बढ़िया हो गया ना कि बिना अपने टाइम को एक्सपेंड किए हुए आप डिवोशन कर सकते हो। आपने कोई टाइम बढ़ाया नहीं, आपने उसी टाइम शेड्यूल में अपनी डिवोशन भी कर ली। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। सो फ्रेंड्स, लेट्स प्रे टू गॉड के इस दुनिया में पॉजिटिविटी आए और हम सभी की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। विद दिस वी चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Bring your heart, free and soul.